फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि आज जो है नॉन स्टॉप वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि कल जो है आपका गैप हो चुका था, मैं कोई भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल नहीं करवा पाई थी। तो चलिए फिर आज क्वेश्चन ले लेती हूँ। जो क्वेश्चन है वो कोड 508 का है, और क्योंकि मुझे जनरली जो कमेंट्स आ रहे हैं और मैसेज जो मिल रहे हैं व्हाट्सएप पे भी वो 508 के ही मिल रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए इन्हीं को मैं करवा देती हूँ। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि रंगोली क्या है, मिट्टी व कला संबंधों की चर्चा करना है। रंगोली क्या है, अगर हम इस वर्ड को एक ले, इस शब्द को ले, तो सुनने में बहुत इजी लगता है। और आप अगर मैं आपसे कहूं कि रंगोली क्या है, तो शायद आप कहें कि क्या है, रंगों की कला है, रंगों से हम चित्र वगैरह बनाते हैं, ये सब चीजें बनाते हैं, ऐसा ही आप जवाब देंगे ना। बिल्कुल सही आंसर भी यही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको व्यवस्थित और अच्छे से लिखना होगा, एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, तो रंगोली क्या है, फिर रंगोली में मिट्टी व कला संबंधों की आपको चर्चा करना है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि रंगोली को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, क्योंकि सभी जगह सभी स्टेटों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, और अलग अलग बनाने की कला भी विधि भी होती है रंगोली की। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपके लिए सही रहे। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राजस्थान में रंगोली को हम किस नाम से जानते हैं, मंदाना नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यानी राजस्थान में रंगोली को मंदाना नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह से बंगाल में रंगोली को अल्पना नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, अल्पना नाम से रंगोली को जानते हैं, यानी कि बंगाल में रंगोली को अल्पना बोलते हैं और राजस्थान में मंदाना बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ में, मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, समझाने के साथ में जो वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, एमसीक्यू बन रहे हैं, वो भी मैं बताऊं, और मैं हर एक वीडियो में ही करती हूं। तो इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा सा इनको माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, कि राजस्थान में रंगोली को मंदाना और बंगाल में अल्पना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर रंगोली होती क्या है। ठीक है, तो रंगोली में जो हम बनाते हैं वो हम कलर से बनाते हैं। जनरली अगर हम अपने इधर की बात करें, नॉर्थ की बात करें, एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ पे जो रंगोली है वो कलर से, रंगों से बनाई जाती है। बहुत से लोग इसको जो है चावल से भी बनाते हैं, बहुत से लोग इसको आटे से बनाते हैं, हल्दी से बनाते हैं, पीला कलर यूज करना होता है, लेकिन आजकल तो रेडीमेड कलर मार्केट में आ रहे हैं, और जो बालू से बने हुए होते हैं तो बालू से भी रंगोली बनाई जाती है। ठीक है, अब रंगोली होती क्या है, तो देखिए ये ज्यामिति आकृतियां होती हैं और दैवी प्रतीकों से जो हम बनाते हैं, कलरफुल रंग से रंगते हैं, वो रंगोली होती है। रंगोली में हम क्या करते हैं, या तो हम फ्लावर बनाते हैं, उसमें फ्लावर बनाते हैं, या फिर उसमें हम भगवान जो दैवी प्रतीक, दैवी प्रतीक का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग गणेश जी बनाते हैं, लक्ष्मी बनाते हैं, अपने देवताओं को प्रतीक को रंगोली के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अच्छा बढ़िया बना के उसे कलर से सुसज्जित कर देते हैं, सजा देते हैं। ज्यामिति आकृतियां जो होती हैं, जितनी भी होती हैं, तो उस तरह के भी आकार जो है रंगोली में बनाए जाते हैं। बहुत से लोग फ्लावर बनाते हैं, कंपटीशन भी रंगोली के होते हैं, तो रंगोली को तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो रंगोली है वो एक पारंपरिक लोक कला है, जिसमें एक आप अर्थ देंगे तो किस तरह से देंगे, एक अर्थ भी अच्छी तरह से लिखा जाता है। तो रंगोली जो है एक पारंपरिक लोक कला है, जिसे हम ज्यामिति आकृतियों और दैवी प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और कलर से उसको सुसज्जित करते हैं। ये हो गया अर्थ आपके रंगोली का। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कि सामग्रियां देख लेते हैं, सामग्रियां कौन कौन सी लगती हैं रंगोली बनाने में। ठीक है ना, तो जैसे हमने बताया आपको कि सूखे चावल या आटा, जो चावल होता है सूखा, अगर हमें व्हाइट कलर लेना होता है तो हम उसे भी करते हैं। बहुत जगह तो चावल को पीस के उसका पाउडर बना लिया जाता है और उसके बाद उसका रंगोली कलर में यूज करते हैं व्हाइट कलर के लिए। फिर आटा, यदि हमें सफेद कलर यूज करना होता है तो हम आटे को लेते हैं। बहुत से लोग आज भी गांवों में देखे, वहां पे नहीं होता है कलर, या उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, वो कलर लेने के लिए पहुंचे तो घर में जरा सा आटे से ही वो काम चला लेते हैं। फूल, गुलाब, अब फूल में देखते हैं, फूल की भी रंगोली बनती है, और ये रंगोली खासतौर पे हमें साउथ इंडिया में देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है ना,
तो फूल में क्या चीजें ली जाती हैं? गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां। हम देखते हैं कि बहुत सी रंगोलियां, खासतौर पे साउथ इंडिया में जो रंगोली बनती है दक्षिण भारत में, वो फ्लावर्स की बनती है, और उसमें जो गुलाब होते हैं, और गुलाब भी कम गेंदे ज्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि गेंदे की पंखुड़ियां जो होती है वो छोटी छोटी होती है और बहुत सुंदर लगती है वो। तो फूल की भी, रंगोली को सजाने में फूल का भी काम होता है, लेकिन फूल में किसका? गुलाब और गेंदे लिए जाते हैं, और खासतौर पर जितने भी फूल लिए जाते हैं उनकी पंखुड़ियां ली जाती है, उनकी पंखुड़ियां अलग करके फिर रंगोली सजाई जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे बालू और धूल। बहुत जगह जो मैंने कहा कि जनरली रेडीमेड जो आजकल रंगोलियां, सिंथेटिक रंगोली जो कलर्स आ रहे हैं मार्केट में आ रहे हैं, वो आपके बालू के बने हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, बालू जो होती है उसी को कलरफुल कर देते हैं, और सभी कलर में मिल जाता है, होता बालू है सिर्फ कलर चेंज होते हैं। तो बालू और जो धूल होते हैं, बहुत जगह धूल से भी रंगोलियां बनाई जाती हैं। और फिर एक दिया, दिया जो होता है ये प्रतीक के रूप में होता है। ठीक है ना, दिया जो है आपका एक प्रतीक के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए आपने शुभ लाभ लिखा और उस पे आपको दिया रखना है, या कुछ ऐसी चीज आपने बनाई और उसके ऊपर दिया रखना है, तो एक प्रतीक के रूप में दिए का भी यूज किया जाता है रंगोली में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने रंगोली क्या है, मिट्टी व कला संबंधों की चर्चा। देखिए रंगोली क्या है, सामग्रियां क्या लगती है, मिट्टी और कला। तो देखिए जनरली रंगोली जो है, हमने आपको कहा है ना कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, पारंपरिक कला है हमारी, बहुत टाइम से चली आ रही है, सिर्फ इसका माध्यम चेंज हो गया है। पहले के टाइम में भी रंगोलियां बनाई जाती थी। रंगोली में हम क्या करते हैं, कलाकृति बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, और पहले के टाइम में भी रंगोली जो बनाई जाती थी वो मिट्टी से बनाई जाती थी। ठीक है, मिट्टी से रंगोली बनाई जाती थी। बच्चे मिट्टियों को लेते थे और हाथों से मसलते थे, रगड़ते थे। एक तरह से कहा जाए कि रंगोली का महत्व क्या है, तो रंगोली का भी महत्व बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि एक गत्यात्मक जो विकास होता है बच्चों में, सृजनात्मक विकास बच्चों में होता है, ये सभी चीजें रंगोली कला के माध्यम से आती है। क्योंकि कला जो रंगोली है वो क्या है, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं इस वीडियो में, कि यदि आप कला पढ़ रहे हैं, और कला में बहुत सारी कलाएं होती हैं, हमने बहुत पढ़ा, दृश्य कला पढ़ा, निष्पादन कला पढ़ा, रंगोली कला पढ़ा, कोलाज पढ़ा, पता नहीं क्यों कौन सी कलाएं हमने पढ़ ली है, और सभी कला में हमने उनके महत्व को पढ़ा है। एक बात आप माइंड में रखिए कि अगर बच्चों के महत्व की बात आती है, तो वहां पे आपको कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो सेम मिलेंगे। जैसे बच्चों में क्या महत्व है रंगोली कला का, गत्यात्मक विकास होता है, सृजनात्मक विकास होता है, सामूहिक भावना का विकास होता है, कुछ ऐसे महत्व है जो आपको हर एक में मिलेंगे। इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कला में खास तौर पे, कि उसमें आपको महत्व को अलग से देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने दिमाग में रखिए कि बच्चों में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, किसी भी कला को, आर्ट को करते वक्त क्या क्या बच्चों में पाया जाता है, वो आप सब में लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि मिट्टी कला का संबंधों की चर्चा करना है, और रंगोली कला में महत्व क्या है बच्चों के लिए, देखिए गत्यात्मक विकास तो होता ही है, सृजनात्मक विकास भी होता है। मैंने आपको कहा कि बच्चे जो है मिट्टी के छोटे छोटे पॉट बनाते हैं, सबसे पहले मिट्टी को मसलना, सहलाना, उसको मिक्स करना सीखते हैं, तो गत्यात्मक विकास हो जाता है। फिर उसके बाद वो डिवाइड करना मिट्टी को सीखते हैं, मतलब मिट्टी से एक आकृति बनाना, जैसे एक सर्कल सा बनाना, गोल सा बनाना, बाउल सा बनाना, वो बना लेते हैं और बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। और रियल में उस अवस्था, उस एज में बच्चे के हिसाब से वो काम बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये मिट्टी कला जो है आपकी रंगोली के अंतर्गत ही आ जाएगी। पहले के टाइम में ऐसे कलर नहीं हुआ करते थे, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती थी कि लोग सोचे कि हम बालू से या तो रंगोली बना लें, ठीक है ना, या चावल है या इसके आटे से हम रंगोली बना लें। तो पहले के टाइम में मिट्टी से ही रंगोली बनाई जाती थी, जो मिट्टी से कला बनाई जाती थी वही रंगोली होती थी। आजकल के टाइम में नेम चेंज हो गए हैं, कला के माध्यम चेंज हो गए हैं, प्रदर्शित करने के माध्यम चेंज हो गए हैं, सभी चीजें चेंज हो गए हैं। ठीक है, और बच्चे जो हैं, एक मिट्टी का काम क्या होता है, मिट्टी का काम एक कुम्हार का काम होता है। कुम्हार जो है वो क्या करता है, कुम्हार जो है हमारे लिए घड़े बनाता है, मिट्टी के पात्र बनाता है, बहुत सारे बर्तन वो बना के हमें देता है मिट्टी के। तो बच्चे भी उस काम को कर सकते हैं, मिट्टी के एक बार देखने के बाद, जैसे कुम्हार जो बनाता है, एक पात्र बनाता है, कोई बर्तन बनाता है, तो बच्चे भी उस काम
हमको अपने हाथों में, कोशिश तो करते हैं, वो बना सकते हैं, काटना जोड़ना सभी चीजें बच्चे करते हैं। जनरली बच्चों को देखिए मिट्टी की स्लैब सी बना लेते हैं, फिर उसको पार्ट में उसको काट देते हैं, फिर उसका कुछ डायग्राम बना लेते हैं। कभी बच्चे जो है मिट्टी का स्नैक सांप ही बना के देखते हैं, खेलते हैं, तो क्या है, ये कला ही तो है मिट्टी के माध्यम से। लेकिन हाँ, स्कूल में आज के टाइम में तो नहीं, लेकिन पहले के टाइम में जो हस्तशिल्प होता था, हस्त कौशल होता था, वो मिट्टी के माध्यम से ही होता था। टीचर जो है वो मिट्टी से ही बच्चों को सिखाते थे और बोलते भी थे कि आपको बना के लाना है। मिट्टी कला पहले प्रचलित थी जो अब नहीं है, लेकिन यदि कहीं कहीं पर यदि मिट्टी कला आज भी पाई जाती है, तो एक सजेशन ये होता है कि आजकल तो सिंथेटिक मिट्टी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसका यूज बल्कि टीचर को नहीं करना चाहिए, जो वास्तविक की मिट्टी होती है, जो रियल की मिट्टी होती है, उसका यूज करना चाहिए मिट्टी कला को प्रदर्शित करने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि रंगोली क्या है, मिट्टी कला के संबंधों की चर्चा करें, बहुत गहरा संबंध है रंगोली का मिट्टी से, और रंगोली क्या है ये हमने आपको बता दिया है। पारंपरिक कला है जो कि जिसमें ज्यामिति आकृतियां और देव प्रतीक जैसे चिन्हों को बनाकर उसको रंगों से सजाया जाता है, वही रंगोली कहलाती है। फिर ये रंगोली राजस्थान में मंदाना के नाम से, बंगाल में अल्पना के नाम से जानी जाती है। एक MCQ है और आप इसको भी इसमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ये भी लिखना जरूरी है। एक दो एग्जांपल इस तरह से देंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो खुश होता है, उसे ये लगता है कि आपको पूरा नॉलेज है रंगोली के बारे में, ठीक है। फिर उसमें सामग्रियां कौन कौन सी यूज होती है, तो आप इनको लिख दीजिए, सूखे चावल आटा, फूल गुलाब गेंदे बालू और दिया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। मुझे लगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेज है जिसमें क्वेश्चंस भेजे गए हैं, सभी ये वीडियोज आपके डिमांड के ऊपर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।